नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ बिजनेस वुमेन विमला इंसा जी हैं, जो आज भी डेरा सच्चा सौदा में आई हैं। आपको सीधी कवरेज हम डेरा सच्चा सौदा के अंदर से दिखा रहे हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, यहाँ पर माहौल कैसा है लड़कियों को लेकर डेरा सच्चा सौदा में। विमला जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। क्या प्रोफेशन है विमला जी आपका? जी मेरा, मैं ब्यूटिशियन हूँ, दिल्ली से हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली से आप डेरा सच्चा सौदा सिरसा में आए हो? हाँ जी। इतने दूर से क्यों आए हो आप? बस यहाँ पे अच्छा लगता है, अपना लगता है। यहाँ पे हम कहीं भी चले जाए कुछ अपना नहीं लगता। यहाँ आते हैं क्योंकि ये ऐसा लगता है कि हमारा घर है। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं, खाना पीना हर एक चीज़ कुछ भी ना लेकर आओ फिर भी एक ये जैसे एक पिता का घर होता है ना, आप बिना टेंशन के जा सकते हो। वो चीज़ हमें यहाँ मिलती है, सुख शांति हर एक चीज़ यहाँ मिलती है। बीइंग गर्ल्स, सेफ्टी के बारे में क्या कहना चाहोगे आश्रम में? गर्ल्स के लिए भी यहाँ बहुत अच्छा है, सेफ्टी है, हर तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, बेटी कहा जाता है, माना भी जाता है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी गुफा में गए हो आश्रम में, जो यहाँ पर काफ़ी बातें फैलाई जा रही थी? ऐसा है ना कि बातें तो फैलाई जाती है, फैलाते वही है जिन्होंने कुछ देखा नहीं है, लेकिन फिर भी बातें बनानी होती है उनको, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मीडिया में प्रचार किया जा रहा है, मीडिया का क्या है, उनको तो अपनी पब्लिसिटी करनी होती है, तो वो एक की चार लगाते हैं। उनके पास कुछ है नहीं, अपनी TRP बढ़ानी होती है, तो वो बस एक की चार लगाकर, जिस तरह के पहले हुआ था, अभी जो किया था उसमें सब एक की चार ही लगा करके उन्होंने फैलाया था सब कुछ, जो भी था। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, डेरा भी बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारी अफवाहें फैलाई। नरकंकाल की सच्चाई क्या है? नरकंकाल की तो ऐसा है कि गंगा जी में जैसे लोग जला दे रहे हैं फिर बहा दे रहे हैं, तो गंगा जी को भी साफ़ सुथरा रखना था। तो ये था कि जो एक्सपायर हो जा रहे हैं तो वो अपने यहाँ पे मुक्ति दिलाने के लिए लेकर आ रहे थे। ठीक है, तो उनको ज़मीन में दबा करके और उनके ऊपर पेड़ पौधे लगाए जा रहे थे। ठीक है, ये हुआ था यहाँ पे। बट लेकिन क्या किया कि कुछ लोगों ने या मीडिया कुछ भी समझ लो, अब जाहिर सी बात है आप जिस जगह दबा के अपने पेड़ पौधे लगाए हैं उनको तो मुक्ति दी जा रही है, प्लस में पौधे लगाए गए तो वातावरण भी स्वच्छ हो रहा है। लेकिन जब उस जगह उन लोगों ने अपना कुछ मतलब के लिए टारगेट किया, तो जब हम ज़मीन खोदेंगे तो उसमें से कंकाल ही निकलेगा, जाहिर सी बात है। पर उसको मोड़ दिया गया, रुख को कहीं और ही मोड़ दिया गया, जिस वजह से अफवाह फैलाई है कि वहाँ पे लोगों को मारा जाता है, गाड़ा जाता है या उनके साथ कुछ गलत किया, तो वो इस तरीके से है। कुछ ज़्यादा तो कुछ मैं बता नहीं पाऊँगी क्योंकि इतना शायद नहीं समझ में आता कि क्या बोले, लेकिन जितना मैंने देखा अभी तक में ये था। नेचर कैसा है गुरु जी का? बहुत अच्छा है, अब देखो बहुत शांति मिलती है, बात करो बहुत अच्छा लगेगा। करेक्टर कैसा है उनका? बहुत अच्छा है, हमें तो बहुत शांति मिलती है। कैसे ट्रीट करते हैं आप लोग सब? बहुत प्यार से, कुछ भी आपने पूछना है आप पूछिए, बहुत गलती भी होगी ना आपकी तब भी बड़े प्यार से ही समझाया जाएगा आपको, बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल जैसे आपके पापा हैं उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। एलिगेशंस जो भी गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सब गलत है, गलत है। जो बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आपने बिल्कुल देखा, पास में बैठ के देखा, गुफा में क्या हो रहा है आपने खुद जा करके देखा? नहीं देखा, तो क्यों सुनी सुनाई बातों पे आप लोगों से ये कहूँगी कि क्यों सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हो? आकर के देखो डेरे के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, अब कितने के लोग उनके साथ हैं, कितने की जनता है? जैसे पहले काफ़ी जनता है उनके साथ, अब कितने के लोग हैं? जनता का तो ऐसा है, जनता कहीं नहीं गई, अभी भी सब हैं, पर ये जो लोगों ने फैला दिया ना इतना अफवाह वगैरह जो फैलाई है, तो लोग ना डरते हैं। बाकी मन में आज भी गुरुजी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। ठीक है, हम लोग हैं बिंदास होकर चलते हैं, हमें टेंशन नहीं, क्यों हमने पापा माना, पिताजी माना है, हाँ है। ठीक है, हमने कुछ गलत नहीं देखा, हमने हम रह रहे हैं आ रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं देखा, तो हम क्यों डरे? अगर कोई हमसे सामने से पूछ रहा है कि अरे तुम्हारे गुरुजी तो ऐसे हैं, आपने देखा था? नहीं देखा ना, आप गए थे? नहीं गए, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो? तो मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरती, मैं लोगों से भी यही कहूँगी बिंदास होके रहो, टेंशन मत लो किसी चीज़ की, परमात्मा है सब कुछ वो ठीक करेगा। क्या आज गुरुजी की समाज को ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। समाज के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है उनका? ऐसा है कि देखो समाज में उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए। ठीक है, वेश्या हैं, लोग उनको गंदी नज़र से देखते हैं, बट उनकी शादियाँ करवाई, अच्छे परिवार में भेजा, मिसाल के तौर पे काफ़ी लोग हैं यहाँ पे आज भी। ठीक है, जो अपाहिज होते हैं, एक अंगहीन होते हैं, उनकी भी शादी करवाई, खुद आगे से लड़की है या लड़के है, खुद आगे से आकर के बोलते हैं कि भाई हाँ हम शादी करेंगे और साथ निभाएंगे,
ठीक है, एक अपाहिज है दूसरा सही है, तो दोनों का बैलेंस मिल जा रहा है, जो कि अपने मन से वो लोग एग्री हो रहे हैं, तो सुख शांति से घर परिवार चल रहा है उनको, तो ये भी बहुत अच्छा। उन्होंने बहुत सारे काम किए, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हर एक चीज़ के लिए। नशे वगैरह इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, तंबाकू है, शराब है, तो गुरु जी के चलते काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया, काफ़ी हद तक छोड़ चुके थे, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा। अब जब से वो गए हैं वापस बढ़ गया है, सब कुछ इतना बढ़ चुका है कि हमारी जनरेशन पता नहीं कहाँ जा रही है, पीछे चली गई है बिल्कुल, इतना ऊपर उठ चुकी थी वापस पीछे चली गई है, तो बहुत दिक्कत हो रही है अभी। मैं तो चाहूँगी कि वो वापस आए। क्या इम्पैक्ट आएगा संत जी समाज में आ जाते हैं वापस? बहुत इम्पैक्ट आएगा, अभी तो फिलहाल इतनी रौनक नहीं है, लेकिन जब वो आ जाएंगे तो यहाँ की रौनक और भी होगी, चार गुनी होगी। क्या अपील करोगे सरकार से आप? यही चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ है, जो भी कुछ आपने सुना या किसी ने आरोप लगाए उसका करो, दौरा करो, देखो, जांचो, परखो, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। और लोगों ने एक की चार लगा लगा कर जो इन्होंने किया, जो भी कुछ मिला, जो कि दंगे में इतना कुछ नहीं हुआ था, करने वाला कोई और था, पर हमारी जनता बीच में जो थी वो फंस गई थी, ठीक है। बेचारे कितने लोग जेल में गए जिनका कोई कसूर नहीं था, बिल्कुल सीधे साधे लोग थे वो लोग, जाकर के जेल में बैठे, ठीक है। उनके परिवार वाले कितने परेशान हुए, जो भी कुछ था, लेकिन चलो ठीक है, अब सब लोग आ गए बाहर, तो करने वाले चले गए, वो डेरे से कोई रिलेशन नहीं था उन लोगों का, ये सब पॉलिटिक्स समझ लो, कुछ भी समझ लो, या नशा छुड़वाया तो उनके पीछे जो लोग थे, जो नशा देते थे, करवाते थे, जिनका धंधा चलता था, ये सब उन लोगों के काम किए हुए थे जो गुरुजी को अंदर भेजना चाह रहे थे, क्योंकि उनके काम तो सब बंद हो गए, नशा वगैरह बंद हो गया था, तो उनका काम चलता कैसे, शराब थी, गुटखा है, तंबाकू है, सब चीज़, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स चली थी जिसके कारण गुरुजी गए। तो मैं चाहूँगी कि वो वापस आएँ, सरकार से यही अपील है कि प्लीज़ उन्हें वापस भेजें हमारे पास, समाज को बहुत ज़रूरत है उनकी। जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है असली सच डेरा सचा सौदा विसन डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा का, जो यहाँ पर आश्रम में आने वाली लड़कियाँ चीख चीख कर बता रही हैं कि झूठा बदनाम किया गया, झूठा ड्रग माफिया के द्वारा, जो भी लोग नहीं चाहते कि समाज में अच्छे कार्य हो, वैश्या की शादी हो, समाज में बेटियों की इज्जत बढ़े, उन लोगों ने ही गुरु जी को झूठा बदनाम किया है, उन लोगों ने ही झूठा प्रचार करवाया है या किया है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा के लिए। ये लोगों का कहना है, आप लोग भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।